नमस्कार नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। बिहार समेत पूरे भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी गिरावट नजर आई है। आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा दिए गए कोरोना लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि किन किन जिलों में कितने कितने कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। बात करें अररिया की तो 1, अरवल में 5, औरंगाबाद में 5, बेगूसराय में 23, भागलपुर में 12, भोजपुर में 11, बक्सर में 2, दरभंगा में 5, ईस्ट चंपारण में 12, गया में 14, गोपालगंज में 10, जमुई में 4, जहानाबाद में 10, कैमूर में 25, कटिहार में 5, खगड़िया में 1, किशनगंज में 7, लखीसराय में 3, मधेपुरा में 8, मधुबनी में 12, मुंगेर में 9, मुजफ्फरपुर में 36, नालंदा में 18, नवादा में 2, पटना में 165, पूर्णिया में 5, रोहतास में 10, सहरसा में 3, समस्तीपुर में 12, सारण में 18, शेखपुरा में 2, शिवहर में 1, सुपौल में 11, वैशाली में 14, वेस्ट चंपारण में 4। तो ये थी बिहार में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जो आज बिहार सरकार द्वारा दी गई है, जिसमें बिहार की राजधानी पटना ने बाजी मारा है। आपको बता दें कि पटना में कुल 165 नए मरीज पाए गए हैं। वहीं पूरे बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। 497 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।